आम शहरी लोगों को भी इकट्ठा किया गया, उनको बताया गया कि पोलिंग डे को कैसे हमने सक्सेसफुली जो है वो बगैर किसी दंगा फसाद के, बगैर किसी लड़ाई झगड़े के जो है हमने सक्सेसफुली इसको जो है कामयाब बनाना है। और यहाँ का जो AMF है, अवेलेबल मिनिमम फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी देखेंगे। यहाँ पर रैंप है, जैसे बिजली है और पानी की सहूलियात जो है वो पूरी मयसर हैं, जैसे कि हमारे BLO हजरात भी आज इस मीटिंग में उन्होंने शमूलियत की है। और सबसे बड़ी बात यही बोलनी थी कि पोलिंग डे वाले दिन जो हमारी बैग टीम है वो हमारी ख्वातीन की लाइनें जो है वो अलग से इकट्ठी करे और खड़े करे, और हमारे जो मर्द हजरात हैं उनकी अलग से लाइन खड़ी हो, और फर्स्ट टाइम वोटर जो हैं उनका वेलकम किया जाए, बुज़ुर्गों की देख रेख की जाए, और उसके बाद यहाँ पर जो है बैग टीम की जानिब से जो है वो यहाँ पर साइनेज जो है वो भी होने चाहिए, एरो वगैरह होने चाहिए कि पोलिंग रूम कौन सा है, या कम से कम वहाँ पर हम जो है वो जो पाउडर होता है वाइट पाउडर जो है वो हम डाल सकते हैं ताकि पता चले कि पोलिंग रूम कौन सा है। और उसके अलावा ये है कि अगर किसी की हेल्थ कंडीशन जो है ख़राब हो जाती है उसकी भी देख रेख की जाए, हमारा इंसानी फ़र्ज़ बनता है। और साथ में जो पोलिंग पार्टीज़ यहाँ पर आ रही हैं उनके लिए भी प्रॉपर जो है उनके सोने का और खाने का अरेंजमेंट जो है यहाँ पे किया जाए, ये अवेयरनेस हमने आम जनता को भी दी और बैग टीम को भी दी। और उसके अलावा जो है यहाँ के जो भी जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं वो इस आज के प्रोग्राम में शामिल हुए और उनसे ये सारी डिस्कशन की गई, हमारी बाज़ाबता मीटिंग हुई और ग्रुप डिस्कशन में ये सारी बातें सामने लाई गई। शुक्रिया।